नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा का प्रोग्राम राजमंत्र। और राजमंत्र में आज बात करेंगे जिन नेताओं को टिकट दिया है कांग्रेस ने, क्योंकि अब कांग्रेस की भी जो लिस्ट है 8 लोकसभा क्षेत्रों के लिए वो आ चुकी है और अब की बार कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने भी जो अपने एक एक प्रत्याशी हैं वो इस प्रकार से उतारे हैं सोच समझ करके कि वो प्रत्याशी हल्के में बिल्कुल भी लिए नहीं जा सकते। और सबसे पहली अगर मैं आपको बताऊं, रोहतक लोकसभा से ही दीपेंद्र हुड्डा को उतार दिया गया है, जिसके की कयास काफी पहले समय से लगाए जा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर जो अड़चने थी वो भी बनी हुई थी, लेकिन उन्हीं को अब की बार रोहतक लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा। वो 3 बार के यहां से सांसद भी रह चुके हैं और अब भी रोहतक से ही वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो उन्हीं को अब की बार फिर से प्रत्याशी बना दिया गया है। पिछली बार वो अरविंद शर्मा से हार गए थे और अगर अब की बात करें, इस पूरे के पूरे जो लिस्ट की बात करें, जिस लिस्ट के अंदर इन सभी का नाम आया है, उस लिस्ट में साफ देखा जा सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा कहें या हुड्डा परिवार कहें, उसकी बातें रखी गई हैं या हुड्डा परिवार को तवज्जो दी गई है, जिसके बारे में अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इन्हीं प्रत्याशियों के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो पहले प्रत्याशी का मैं जिक्र कर चुका हूं, दीपेंद्र हुड्डा काफी मजबूत प्रत्याशी यहां से रहेंगे और सबसे कड़ी टक्कर भी यहीं पे होने की एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगर दूसरी लोकसभा की हम बात करते हैं, चलिए अंबाला से शुरुआत कर देते हैं। अंबाला में अब के बाद वरुण चौधरी को टिकट दिया गया है। वरुण चौधरी अभी भी फिलहाल जो विधायक है मुलाना से वो हैं और वरुण चौधरी एक बहुत ही जो युवा चेहरा है वो कांग्रेस का है। फूलचंद मुलाना के ये पुत्र हैं, जो कि पूर्व कांग्रेसी बड़े नेता हैं, उनके ये पुत्र हैं, इनको यहां से टिकट दिया गया है अंबाला से। और अंबाला से अब ये एक मुकाबला देने के लिए तैयार हैं बीजेपी के कैंडिडेट को। दूसरी सीट की अगर बात करें, सिरसा पे पहुंचते हैं। सिरसा वो सीट है जहां पे कि अशोक तंवर को बीजेपी ने टिकट दिया था और उनके साथ में ही अब कांग्रेस ने कुमारी सैलजा को वहां से उतारा है। कुमारी सैलजा भी कांग्रेस की दिग्गज नेता हैं और कुमारी सैलजा वहां पे टक्कर देने के लिए अब तैयार हैं। फैसला तो बाद में ही होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो उम्मीदवार हैं वो टक्कर के ही लग रहे हैं। अगली सीट के ऊपर चलते हैं और अगली सीट की अगर बात करें तो वो सीट है सोनीपत। और सोनीपत की अगर बात करें तो वहां से सतपाल ब्रह्मचारी को उतारा गया है और सतपाल ब्रह्मचारी भी एक ब्राह्मण चेहरा ही है। तो जो बीजेपी ने एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा था, वहीं पे कांग्रेस ने भी ब्राह्मण चेहरे को उतार दिया है। ब्राह्मणों के वोट भी कटेंगे इससे। और उसके साथ साथ ही ये एक जो सीधे तौर पर अगर बात करें तो ये संत भी हैं और ब्रह्मचारी अपने नाम के पीछे लगाते हैं। हरिद्वार के अंदर 2 आश्रमों के ऊपर ये अध्यक्षता भी रखते हैं, पूरा पूरा इनका जो सहयोग है वो वहां पे बना रहता है। तो इनमें भी जो है वो हिंदुत्व के लिए भी इनको रखा गया है। तो अब लड़ाई यहां भी कांटे की मानी जा रही है। एक एक प्रत्याशी के बारे में अगले वीडियोज में मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी सभी के बारे में एक बार आपको बता देते हैं। अगली अगर लोकसभा की बात करें हम, तो अगली लोकसभा ले लेते हैं महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा। महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से अब की बार जो प्रत्याशी उतारा है वो है राव दान सिंह, जो कि राव दान सिंह 4 बार के यहां से विधायक रहे हैं इस विधानसभा से। महेंद्रगढ़ विधानसभा से 4 बार वो विधायक रह चुके हैं, तो ये भी एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के और इन्हीं को टक्कर देने के लिए उतारा गया है। लेकिन साफ तौर पे यहां से श्रुति चौधरी का जो टिकट है वो काट दिया गया है, उनको दरकिनार किया गया है। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को दरकिनार कर दिया गया है, जिनके लिए कि काफी जो प्रयासरत थे वो भी नेता थे, जो किरण चौधरी थी, कुमारी सैलजा थी, सुरजेवाला जी थे, वो सभी प्रयासरत थे कि श्रुति चौधरी को टिकट दिया जाए। लेकिन यहां से जो इनकी टिकट के लिए बात कर रहे थे वो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उन्हीं के चलते इनको जो टिकट है वो दे दिया गया है। चलिए अब अगली टिकट के ऊपर पहुंचते हैं, फरीदाबाद। फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप को टिकट दिया गया और महेंद्र प्रताप कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, 5 बार से ये विधायक रहे हैं और 2 बार ये कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो उनको वहां से टिकट दे दिया गया है। और पहले भी ये कृष्ण पाल गुज्जर के साथ में
प्रत्याशी रह चुके हैं, उनको टक्कर दे चुके हैं और दोनों ने ही एक दूसरे को हराया भी है। लेकिन ये पहली बार है कि दोनों लोकसभा चुनाव में अब की बार आमने सामने होंगे। तो महेंद्र प्रताप भी फरीदाबाद से एक बड़ा चेहरा रहेंगे और आमने सामने टक्कर देने के लिए वो भी तैयार है। करनाल से जहां की हरियाणा में बीजेपी ने अपना एक बड़ा चेहरा उतारा था, दो बार के मुख्यमंत्री को उतारा था, मनोहर लाल खट्टर जी को वहां से उतारा था, वहां से सबसे युवा चेहरा कांग्रेस ने उतार दिया है। वो युवा चेहरा है दिव्यांशु बुद्धि राजा, जो कि एक और पंजाबी चेहरा है, क्योंकि बीजेपी ने पंजाबी चेहरे पे दांव खेला था तो इन्होंने भी पंजाबी चेहरे के ऊपर दांव खेला है। और ये NSUI के नेता रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रधान रह चुके हैं और साथ साथ ये फिलहाल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तेज तर्रार चेहरा है और हर मुद्दे को उठाते रहते हैं, तो इनके ऊपर भी कांग्रेस ने अब की बार भरोसा जताया है और कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है। हालांकि भीतर घात भी इसके ऊपर हो सकता है, लेकिन वो आने वाली किसी वीडियो के अंदर बताएंगे। अभी के लिए बताते हैं कि ये जो चेहरा है वो काफी मजबूत चेहरा कांग्रेस मान रही है। हिसार से जो चेहरा सामने आया है वो है जयप्रकाश, कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं और वो 8वीं बार यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। 3 बार लोकसभा के वो विजेता भी रह चुके हैं, तो वो भी एक बड़ा चेहरा है और उनको पार्टी ने टिकट देने के लिए बृजेंद्र को नकार दिया है। वही बृजेंद्र जो कि बृजेंद्र चौधरी के बेटे हैं और बृजेंद्र चौधरी भी अब कांग्रेस में वापस जा चुके हैं, पहले बीजेपी में गए थे अब कांग्रेस में जा चुके हैं। और बृजेंद्र भी जो हैं वो पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी थे और विजेता भी रहे थे। कांग्रेस ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि बीजेपी ने अब की बार उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन अब कांग्रेस ने भी उनको नकार दिया है, तो अब वो कहीं से भी प्रत्याशी नहीं है और यहां से अब जयप्रकाश को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने सभी अपनी जो 8 सीटें अब डिक्लेयर की हैं उनके ऊपर कांटे की टक्कर की संभावना जताई है। हालांकि गुड़गांव से राविंदर जीत के खिलाफ अभी तक कांग्रेस ने कोई भी चेहरा नहीं उतारा है। आपको क्या लगता है इन सभी चेहरों के अंदर क्या होने वाला है राजमंदर के अंदर? आपको एक एक चेहरे के बारे में बताएंगे कि एक एक चेहरा कितना मजबूत चेहरा है। लेकिन फिलहाल के लिए कांग्रेस ने जो देरी की थी जिस लिस्ट के अंदर, अब वो लिस्ट भी सामने आ चुकी है और उसका सीधा सीधा जो प्रमाण है वो ये मिलता है कि कांग्रेस ने जो 2 गुट बने हुए थे हरियाणा के अंदर, उसमें से भूपेंद्र हुड्डा गुट को या भूपेंद्र हुड्डा परिवार के गुट को तवज्जो दी है और कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, सुरजेवाला गुट को कोई तवज्जो नहीं दी है। और ये भविष्य की तरफ भी काफी कुछ है जो इशारा है वो करता है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और आगे हम आपको एक एक सीट के बारे में भी बताएंगे। लेकिन अगले वीडियो में एक चीज और बताने वाले हैं आपको कि एक ही तीर से भूपेंद्र हुड्डा ने 4 शिकार कैसे किए हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। 26 सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जिलाए हैं डहिना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके नजदीकी गाँव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, GLED, CAC, PT, NDA, सैनी स्कूल और मिड्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये 3री संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे। नीट, IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे।